एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। वही दूसरी ओर झारखंड के चाईबासा में पिछले दिन तीन दिनों से भाकपा माओवादी और जोनल कमांडर अतिराम मांझी के खिलाफ पुलिस प्रशासन का सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि अतिराम मांझी पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कहा कि उनकी टीम लगातार कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के संवाददाता संतोष है फुलाइन पर। संतोष, क्या अभी तक पुलिस को सर्च अभियान में सफलता मिली है नक्सली को गिरफ्तार करने में? जी नहीं, अभी सर्च सफलता नहीं मिली है, लेकिन पुलिस जो है लांजी गांव में लगातार छापामारी अभियान जारी रखा है। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और चाईबासा पुलिस के नेतृत्व में चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि संतोष, कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी कामयाबी होगी पुलिस को अतिराम मांझी को गिरफ्तार करने में? जी, अतिराम मांझी जो है उनकी गिरफ्तारी और महाराज प्रमाणिक की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो चाईबासा पुलिस के लिए बड़ी सफलता होगी और इस क्षेत्र में नक्सल पर बड़ा लगाम लगाने में पुलिस सफल रहेगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका संतोष। तो आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए का इनामी है ये नक्सली, जोनल कमांडर है और भाकपा माओवादी अतिराम मांझी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। हालांकि इन पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा है और इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। अगर इसे पकड़ लेती है पुलिस तो इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अंकुश लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिल सकती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।